शोल्डर की जो है वो सीटी स्कैन है। इसने जो है दाल चावल बनाए हुए हैं, इधर ज़रा करीब आके दिखाओ, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये ऊपर दाल है और ये तड़के वाले चावल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बने हैं। मज़ेदार। अभी बाहर निकले हैं क्योंकि मिशेल कह रही थी कि पापा KFC जो है वो खाना है। अभी हम जो है मिशेल के लिए KFC लेने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हम जो है रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये सामने ही जो है वो KFC है, तो ये हम KFC में आ गए हैं। अभी मिशेल ऑर्डर करो मेरे लिए और अपनी मम्मा के लिए जिंगर, आपने भी फिर क्या क्या ऑर्डर किया? पापा मेरे लिए जिंगर बर्गर मील और मम्मा के लिए जिंगर बर्गर और हॉट विंग्स। मैं कहा तो था कि कार्ड तो अभी हम जो है चीयर्स करते हुए KFC को एंजॉय करेंगे। जिंगर बर्गर हम तीनों का और चिकन विंग्स विद फ्राइज और हमारी एंड कोला। लेट्स एंजॉय। तो दोपहर में हमने खाया था दाल चावल और फिर शाम को KFC। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो भी इन दोनों के दरमियान में एक तरह से हम मुकाबला कर रहे हैं कि हमें कौन सा पसंद आया। तो सबसे पहले मिशेल बताएगी कि इसको दाल चावल अच्छे लगे हैं कि KFC। KFC का चिकन बहुत टेस्टी है, लेकिन दाल चावल जो है ना उसके अंदर एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो मम्मा के हाथों का होता है। और मुझे भी जो है दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी जब हम KFC खाते हैं क्रंची सा होता है, मजा आता है, तो वो भी कभी कभी ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं दाल चावल खाता हूँ तो मुझे अपने प्यारे पाकिस्तान की याद आ जाती है। अब मेरा दिल करता है मैं उड़ के जल्दी से कराची में जाऊं और दाल चावल खाऊं। अब पूछती है नरगिस को। मुझे तो दाल चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन KFC भी कभी कभी जब खाएं तो अच्छा लगता है। तो फिर देसी खाने का मजा है वो अपना ही मजा है, बेल्जियम में रहते हुए देसी खाने। तो ये है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए रेगुलर अगर खाए तो दाल चावल में मजा आता है, लेकिन कभी कभी KFC में भी मजा आता है। तो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम KFC एंजॉय करते हैं और दूसरी भी, लेकिन वी लव दाल चावल। और KFC का जिंगर स्पाइसी जो बर्गर होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। आज हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरे शोल्डर की जो है वो सीटी स्कैन है। नरगिस मेरे साथ आई है और यहाँ से कुछ जो है इस तरह से हॉस्पिटल के अंदर से ये देखें नज़ारा कितना अच्छा है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, इस वक्त मैं सीटी स्कैन के लिए रेडी हूँ। हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए थे तो वहाँ से तो हमने शूट नहीं किया, लेकिन हम घर पहुँच चुके हैं। लेकिन आज एक मज़े की बात यह है कि नरगिस काफ़ी देर से मुझे ये बोल रही थी कि भाई ये वाली जो है ग्रॉसरी की ट्रॉली लेके दो, तो आज फिर हमने ये देखें ट्रॉली ले ली है और नरगिस जो है इसको आराम से जो है हैंडल कर सकती है। इसके अंदर जो है हमने ग्रॉसरी की है काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ जो है इधर भी हमारी ग्रॉसरी है। हेलो हेलो व्यूअर्स, तो फिर हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम क्या ख़रीदने वाले हैं। जी मिशेल जो है अपने कपड़े देख रही है, शानवास भी अपने लिए कोट देख रहा है, पैंट। हेलो हेलो, सही लग रहा है नहीं, इसके नीचे वो भी तो आनी है ना, सही है, पीछे से दिखाओ कंधे। तो एंड में मेरे व्यूअर्स, माय फैमिली, ये मेरा चुनमुन आपको एक मैसेज देगा। हाँ जी चुनमुन,
मैं हूँ चुनमुन, ये है मुनमुन और ये है पुनपुन। पुनपुन। तो ये हम जो है निक नेम मजे करके लेते रहते हैं घर में। मेन हमारा मैसेज देना ये था कि जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो लाइक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देखें। हम आइंदा बहुत अच्छे व्लॉग बनाएंगे बेल्जियम के हवाले से, तो प्लीज आप जो हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।